हमारे सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। तो आज हम आ गए हैं सेक्टर 18 के राष्ट्रीय अपार्टमेंट में, जो कि द्वारका की बहुत ही मेंटेन सोसाइटी, हाईली डिमांडिंग सोसाइटी है। यहाँ पर आज आपके लिए 4 BHK का दो दो टेरिस वाला फ्लैट लेकर। तो हमारी मेन एंट्री से बिल्कुल जैसे ही हम ड्राइंग रूम में आते हैं, तो यहाँ पर रहने वाला है आपका ये पहला टेरिस, और बिल्कुल इस तरफ रहने वाला है आपका दूसरा टेरिस जहाँ पर हम खड़े हुए थे। और आप इसी दीवार को पूरा आगे तक पीछे लेकर जा सकते हैं, जिससे कि आपके ड्राइंग रूम का साइज और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो दिखाते हैं आपको ये पूरा का पूरा बड़े बड़े कमरों वाला धमाकेदार फ्लैट। तो हम आ चुके हैं हमारे कॉरिडोर में, और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा स्पेस एक ये मिल जाता है, जो कि आपकी फ्लैट की ब्यूटी को और ज्यादा चार चांद लगा देता है। बाकी ये पूरा कॉरिडोर आपका इस तरह से रहने वाला है, एक स्टेयर के साथ के सामने है और दूसरे स्टेयर के साथ के ये यहाँ पर है, और वहां पर रहने वाली है आपकी लिफ्ट। तो आपको दो लिफ्ट मिल जाती है, और आप देख सकते हैं कि कॉरिडोर में ऊपर आपको इस तरह का काम मिल जाता है। और ये है आपके फ्लैट की मेन एंट्री, और बिल्कुल आपकी मेन एंट्री के सामने वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है, रोशनी बहुत बढ़िया है, और इस तरह की ये जो है ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। सिंगल एंट्री का आपका ये फ्लैट रहने वाला है। तो जैसे ही हम फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं, आपको यहाँ पर मिल जाता है सामने बहुत ही बड़ा स्पेशियस ड्राइंग डाइनिंग एरिया। यहाँ पर रहने वाला है आपका फर्स्ट बेडरूम, और यहाँ पर रहने वाला है आपका कॉमन वॉशरूम। तो सबसे पहले मैं आपको आपका कॉमन वॉशरूम दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये रहने वाला है आपका कॉमन वॉशरूम, और यहाँ पर रहने वाला है आपका फर्स्ट बेडरूम। तो ये देखिए, ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। इसकी अगर साइज की बात करें, तो ये आपका 11x10 का बेडरूम है, जहाँ पर आप क्वीन साइज बेड लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपको विंडो से वेंटिलेशन मिल जाती है। और यहाँ पर आ जाता है आपका ये ह्यूज स्पेशियस ड्राइंग डाइनिंग एरिया। तो आप देख सकते हैं कि फॉल सीलिंग हुई है। तो अगर आप फॉल सीलिंग के अंदर अगर आप इसको ना भी चढ़वाएं, सिर्फ जैसे नीली नीली लाइट अभी ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं है, तो आप जो हैं जो इनके मिस्त्री होते हैं, सिर्फ ये ब्लू वाली LED लाइट आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर लगी हुई है, हल्के हल्के छोटे छोटे बल्ब हैं, तो आप उनको निकलवाकर, इस लड़ी सी को निकलवाकर, आप अगर यहाँ पे व्हाइट या क्रीम कलर का या जो गोल्डन सी शेड की जो लाइट्स होती हैं वो अगर प्लान कर लेंगे, तो बस आपको ज़्यादा फॉल सीलिंग को छिड़वाने की या पूरी उखड़वाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्लोरिंग आपके यहाँ पर ये मार्बल की फ्लोरिंग रहने वाली है पूरे फ्लैट के अंदर। तो बिल्कुल काम आप देख सकते हैं हल्का फुल्का वुडन का, थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए फॉल सीलिंग की लाइट चेंज करवानी पड़ेगी। साथ में आपको जो आपका ये मॉड्यूलर किचन है, यहाँ पर आपको हल्का काम यहाँ पर करवाना पड़ेगा। और आपका जो ये किचन है, ये पूरा किचन आपका जाली वाला है, तो अगर अभी आप इसको मॉड्यूलर किचन से रिप्लेस करना चाह रहे हैं, जो कि अभी चले हुए हैं, वो दूसरे वाला जो बनवाना अगर चाह रहे हैं, तो फिर आपको किचन के अंदर काम करवाना पड़ेगा। अगर ये वाला किचन, जाली वाला किचन आपको चलता है इस तरह का, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। और आप किचन का साइज देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बड़े साइज का आपका यहाँ पर किचन रहने वाला है। बड़ी सी आपको यहाँ पर विंडो मिल जाती है, वेंटिलेशन मिल जाता है, सामने आपका टेरेस है, तो बिल्कुल वहीं से ही आपको वेंटिलेशन यहाँ पर अंदर की तरफ मिल रहा है। फ्रिज का स्पेस आपका अंदर ही है, और आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका यहाँ पर डाइनिंग एरिया रहने वाला है। तो इतना स्पेशियस आपको यहाँ पर आपका ड्राइंग डाइनिंग मिल जाता है। आप जो है यहाँ पर अपना जो है सोफा सीटिंग प्लान कर सकते हैं, LED पैनल बिल्कुल यहाँ पर बनवा सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप अपना डाइनिंग टेबल प्लान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये दीवार आपके पीछे तक जा सकती है आपके इस वाले टेरिस के यहाँ पर, तो बिल्कुल वो ऐसे, क्योंकि ऊपर यहाँ छत है, उस तरफ आपकी शेड है, तो ये UPVC और ये स्टोरेज स्पेस निकलवा कर, जितनी ये चौड़ाई है, लगभग आपकी ये चौड़ाई रहेगी यहाँ पर 9 फिट के आसपास की, तो ये 9 फिट चौड़ी जगह है, वहां पर पीछे और आगे लगभग जो है 14-15 फिट के आसपास ये और पीछे चला जाएगा, जिससे कि आपका बहुत ही ह्यूज ड्राइंग डाइनिंग एरिया यहाँ पर निकल कर आएगा। तो ये चीज अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो जैसे का जैसा जो पैटर्न है अभी ये फिलहाल, कि आपका बड़ा सा डाइनिंग एरिया, बड़ा सा ड्राइंग रूम, तो आप इसको यूं का यूं भी रख सकते हैं, बड़े साइज का फ्लैट है। अगर हम साइज की बात करें, तो आपके इस फ्लैट का जो साइज है, ये आपका 500-600 गज के आसपास चला जाता है, इंक्लूडेड टेरिस अगर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपकी बहुत बड़ी यहाँ पर टेरिस रहने वाली है, जो कि आपके फ्लैट की ब्यूटी को चार चांद लगा देती है। अभी ये फ्लैट पूरा गंदा पड़ा हुआ है, खाली हुआ है इस वजह से। बाकी आप सोचिए
कि अगर यहाँ पर पूरी जो है गार्डनिंग हो जाए, अगर यहाँ पर आप ग्रीन वाली ग्रास लगा दें और फिर आप जो है यहाँ पर सुंदर से झूले गमले, तो आप कितना सारा क्वालिटी टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। सेक्टर 18 की बड़ी ही अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर साइड में आपको सर्विस लेन मिल जाती है और यहाँ पर बनाया गया है आपके लिए एक और स्टोर रूम। तो आप देख सकते हैं कि सामने ये वाला जो है आपका स्टोर रूम है, जो कि अभी लॉक है, अगर खुला होता तो मैं आपको दिखा देती। बाकी यहाँ पर आपका एक स्टोर रूम भी आपको मिल जाता है। तो मैंने आपको आपका पहला टेरिस दिखा दिया है, ड्रॉइंग डाइनिंग आपकी किचन दिखा दी है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपका सेकेंड बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम हमें एंट्री पर ही मिल गया था, तो ये है आपका यहाँ पर सेकेंड बेडरूम। और आप सेकेंड बेडरूम का साइज देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये आपके कमरे हैं ये 15x15 के आसपास का आपका यहाँ पर ये आपका सेकंड बेडरूम रहने वाला है, जिसका एक्सेस आपको टेरेस पर मिल जाता है। ये जो आपकी बालकोनी है, ये वाली बालकोनी आपकी साउथ ईस्ट फेसिंग की बालकोनी है, ये आपका ईस्ट है और इस तरफ आपका इस तरह से ये जो है साउथ का पोर्शन रहने वाला है। तो इस टेरेस के ऊपर और आपके इस रूम के साथ अटैच जो ये आपकी बालकोनी खुल रही है, तो यहाँ पर आपका जो धूप है वो आपकी रहेगी लगभग जो है 12:30-1 बजे के आसपास तक। तो बिल्कुल आपको सामने अलमीरा मिल जाती है, एलईडी पैनल मिल जाता है, ऊपर आपको इस तरह से यहाँ पर फॉल सीलिंग मिल जाती है और यहाँ पर आपको मिल जाता है अच्छे खासे बड़े साइज का वॉशरूम। ये देखिए यहाँ पर ये आपका वॉशरूम रहने वाला है, जो कि आपका एक्सेस करता है आपके थर्ड बेडरूम से। तो यहाँ पर आपका ये सेकेंड वॉशरूम आ गया है आपके सेकंड बेडरूम के अंदर, ये आ जाता है आपका थर्ड बेडरूम। आप थर्ड बेडरूम का साइज देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब यहाँ पर ये साइज है। इस बालकोनी को अंदर ले लिया गया है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बड़े बड़े दो टेरेस हैं, तो इसीलिए इस रूम का साइज काफी अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ गया है। और ऊपर आपको फोर सीलिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको अलमीरा मिल जाती है, अटैच आपका वॉशरूम ये वही वाला है जो आपका सेकंड बेडरूम के अंदर है। इस वाले बेडरूम से जो आपका व्यू है विंडो से, ये आपका सोसाइटी के अंदर जो ये छोटा पार्क है इसका व्यू रहने वाला है यहाँ से। और अगर हम इस रूम की बात करें तो ये वाला रूम आपका 16x17 के आसपास का आपका मिल जाता है, काफी अच्छा ये साइज है आपका। और ये आपका यहाँ से टेरेस और यहाँ पर आ जाता है आपका फोर्थ बेडरूम। ये देखिए ये आपका फोर्थ बेडरूम रहने वाला है और फोर्थ बेडरूम के अंदर अलमीरा का स्पेस जो है वो आपको अंदर मिलता है, 3 पल्लू की बड़ी अलमीरा मिलती है, फोल सीलिंग में कुछ इस तरह का डिजाइन मिलता है। तो आपको यहाँ पर बस ये नीली लड़ी निकलवा कर इसके अंदर से और आपको जो है यहाँ पर छोटे वाले बल्ब जो है वो डलवाने हैं आपको। और यहाँ पर आपको मिल जाता है एलईडी पैनल इस रूम के अंदर भी, और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका अटैच काफी अच्छे खासे बड़े साइज का वॉशरूम। और सामने आपको मिल जाता है आपका ये दूसरे वाला टेरेस जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की थी, तो ये वाला एक और टेरेस आपको बड़ा सा मिल जाता है। इस टेरेस के अंदर भी सुबह की धूप है, तो अभी ये इन्होंने पूरा शेड ऊपर तक करवा रखी है, तो अगर आप इसको हल्का फुल्का हटवाना चाहते हैं कि आधी रख लें आधी हटवा दें ताकि थोड़ा वेंटिलेशन धूप या रोशनी अच्छी आ सके, तो वो आप एक काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि टेरेस को मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए शायद ये जो है पूरे कवर ऊपर तक करवाए गए हैं। तो बिल्कुल वो आपकी चॉइस है कि आप किस हिसाब से जो है घर को अपने रखना चाहते हैं, और थोड़ा बहुत आपको इसके अंदर काम करवाना पड़ेगा। वैसे पूरी फ्लोरिंग यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा मार्बल बिछा हुआ है, तो बस घिसाई करवानी है और ये फ्लैट की फ्लोरिंग आपकी रेडी है। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आपके इस बड़े से हाईली डिमांडिंग सोसाइटी के अंदर इस राष्ट्रीय अपार्टमेंट के बड़े से 4 BHK प्लस 4 की प्लस 2 टेरिस वाले फ्लैट की डिमांड रहने वाली है। 4,45,00,000 रुपए प्राइस आपका ये नेगोशिएबल रहने वाला है। हाईली डिमांडिंग लोकेशन, हाईली डिमांडिंग सोसाइटी, वेरी वेरी वेल मेंटेन सोसाइटियों में गिनी जाने वाली ये सोसाइटी। तो बिल्कुल आप इस फ्लैट के लिए क्वेरी कर सकते हैं, चिल्लर होम्स की पूरी टीम आपके साथ है आपको हैसल फ्री वे से घर देने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।